क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 है आपके सामने। 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस अस ओल्ड अस सोनू। 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 ईयर लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस अस ओल्ड अस सोनू। नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की ट्वाइस मतलब कि दोगुनी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज कितनी है। तो हमें जो फाइंड आउट करना होता है सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। तो लेट दी एज ऑफ नूरी बी एक्स ईयर एंड एज ऑफ सोनू बी वाई ईयर। हमने मान लिया कि नूरी की एज कितनी है, एक्स ईयर है। सोनू की एज कितनी है, वाई ईयर है। इन फर्स्ट केस, इन केस फर्स्ट, पहले केस में क्या हो रहा है कि 5 ईयर एगो हमारा क्वेश्चन, ये तो कौन सी एज है, प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज, क्या बोलेंगे हम इसको, प्रेजेंट एज, ऐसे ही नूरी की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर, और सोनू की प्रेजेंट एज कितनी है, वाई ईयर, ये हमने मान लिया। अब 5 ईयर एगो इन फर्स्ट केस, कौन सा केस है, 5 ईयर एगो मतलब 5 साल पहले की बात चल रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे। 5 ईयर एगो नूरी की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 5 ईयर। ये हम कैसे लिख रहे हैं, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। मान लो कि अगर किसी की एज अभी 15 ईयर है तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी, तो जवाब क्या आएगा, 10 ईयर। तो आपने क्या करा कि प्रेजेंट एज में से जितने ईयर हैं उसको माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट एज किसको माना है, एक्स को, और कितने एज कितने ईयर पहले की घटना है, 5 ईयर, तो उस पर माइनस कर देंगे। ऐसे ही एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू, सोनू की एज क्या हो जाएगी, वाई माइनस उसकी प्रेजेंट एज में से जितने ईयर हैं उसको माइनस कर दो। जब भी पहले की घटना होती है, पहले वाला इवेंट होता है, तो हम उसमें माइनस करते हैं, और आफ्टर वाला इवेंट होगा तो प्लस करेंगे। अब इन फर्स्ट केस में उसने क्या कहा था कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की क्या है, थ्राइस है। एज ऑफ नूरी इक्वल टू थ्राइस एज ऑफ सोनू। 5 साल पहले क्या कह रहा है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की थ्राइस है, यानी कि 3 गुनी है। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 3। सोनू की एज कितनी है, वाई माइनस 5, टू टर्म है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, तो x माइनस 5 तो वैसा ही आ जाएगा। 3 का एस वाई में इंटू करोगे तो 3y, फिर 3 का एस 5 में, 3 5 जा 15। इस y को हम इधर ले आते हैं तो ये 3y हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 15। इस माइनस 5 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाओ, कॉन्स्टेंट टर्म वन साइड रख लेंगे और वेरिएबल वन साइड रख लेंगे, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 किया तो कितना बच जाएगा, माइनस का 10। ऐसे इक्वेशन क्या कह दिया हमने, फर्स्ट। तो ये कौन सा केस था, फर्स्ट वाला, तो इससे एक इक्वेशन बन गया। अब जो सेकेंड केस है, इन केस सेकेंड, इन केस सेकेंड, अब 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद
मैंने कहा था कि जब भी पहले वाली बात होती है तो हम माइनस कर देते हैं। अब यहाँ पर लेटर इन ए बाथ की बात है तो हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि अगर किसी की वर्तमान में प्रेजेंट में एज 10 ईयर है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो जवाब क्या आएगा, 20 ईयर। आपने क्या करा, अभी की एज में जितने साल है उतने साल ऐड कर दिए। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो 10 ईयर लेटर क्या होगा, एज ऑफ नूरी इक्वल टू, इसकी प्रेजेंट एज क्या है नूरी की, एक्स ईयर। कितने लेटर बाद, 10 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, इसमें 10 को प्लस कर दो। एंड एज ऑफ, या एंड कर दो, एंड एज ऑफ सोनू, तो ये कितनी हो जाएगी, वाई प्लस 10। इससे हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। तो 10 साल बाद उसने क्या कहा कि नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की कितनी हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। मतलब ऊपर थ्राइस हो जाती थी, यहाँ पर क्या हो रही है, ट्वाइस हो रही है, मतलब दुगनी। तो एज ऑफ नूरी इक्वल टू टू मल्टीप्लाई एज ऑफ सोनू। एज ऑफ नूरी कितना है, 10 ईयर के बाद, एक्स प्लस 10 इक्वल टू टू इंटू एज ऑफ सोनू कितना है, 5 प्लस 10, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो एक्स प्लस 10 इक्वल टू, टू का एस वाई में इंटू किया तो 2 है, 2 का 10 में 2 किया तो 2 10 जा 20। बचा हुआ पार्ट पोर्शन हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। x इस 2y को इक्वल के इस तरफ ले जाओ तो काय का हो जाएगा, माइनस का, इक्वल टू, और इस 10 को इधर ले जाओ तो 20 माइनस का 10। तो x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो कितना बच जाएगा, 10। इसे इक्वेशन क्या कह देंगे, 2। तो 5 ईयर एगो से जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट बनता है और 10 ईयर लेटर से हमारा इक्वेशन सेकंड बन जाता है। अब हमें इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, एक्स माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और इक्वेशन सेकेंड क्या है आपके पास, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 10। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये एक्स भी, इसका कॉफिशियंट भी 1 है और नीचे वाले एक्स का कॉफिशियंट भी 1 है। तो यहाँ पर हमें कॉफिशियंट को इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम, लेकिन अभी ये कैंसिल नहीं होगा तो हमें क्या करना होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ऑन सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो सबके साइन क्या होंगे, बदल जाएंगे। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल, 3y माइनस का है, 2y प्लस का है, तो 3y में से 2y गया तो 1y, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की इसलिए साइन माइनस का। माइनस माइनस प्लस होंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये कितना हो जाएगा, 20। तो ये माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 20 ईयर। ये किसकी एज निकाल ली हमने भाई, किसकी एज है, सोनू की एज। हमने किसकी एज निकाल ली, एज ऑफ सोनू। अब ये भाई की वैल्यू किसमें पुट कर दोगे, इक्वेशन 1 में, तो हमें किसकी एज मिल जाएगी, नूरी की एज। लिख देंगे ऑन पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को 1 टाइम लिख लो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। x को तो हमने ऐसे ही रखा माइनस का 3 वैसा ही, और y की जगह पर y की वैल्यू पुट कर दो, 20 इज इक्वल टू माइनस का 10। x 20 थ्री 60 इक्वल टू माइनस का 10। इस 60 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस का 10। एक्स इज इक्वल टू 50 ईयर।
ये किसकी एज हो गई है? एज ऑफ नूरी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने ये 50 है, सॉरी 50, 60 में से 10 गया तो कितना बचेगा? 50। तो ये हो गई नूरी की एज 50 है, और ये हो गई सोनू की एज 20 है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें नूरी और सोनू की एज फाइंड आउट करना थी। धन्यवाद।